तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के एक और वीडियो में। एंड गाइस, आज की वीडियो में गाइस एक बेस्ट फोन के बारे में बात करने वाला हूँ। जहाँ गाइस बेस्ट फोन के साथ गाइस उसकी कैमरा क्वालिटी, उसकी रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ गाइस उसका स्पेसिफिक वगैरह, ओवरऑल गाइस डिजाइन वगैरह सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस फटाफट से अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ ही गाइस बेल नोटिफिकेशन कोड पर सेट कर लो गाइस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लिया गाइस, मैंने एक टारगेट लिया है जो कि गाइस 31 जनवरी से पहले पहले मेरे 2K चैनल पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। सो गाइस, आप प्लीज सपोर्ट करिए इस चीज में। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर कर लेना। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिना स्किप के देखना गाइस, ताकि सब कुछ आपको सही से समझ में आ जाए कि क्या क्या स्पेसिफिक इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस की फोन के नाम की। तो देख लिया गाइस, इसका फोन का नाम होने वाला है ओप्पो फाइंड एक्स सेवन। और गाइस इस फोन में आपको दो सीरीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस ओप्पो फाइंड एक्स सेवन एंड गाइस ओप्पो फाइंड एक्स सेवन अल्ट्रा देखने को मिलेगा। दोनों के स्पेसिफिक बताऊंगा गाइस, दोनों के में क्या क्या क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है, कैमरा से रिलेटेड या फिर गाइस परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सब कुछ ओवरऑल आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस, देख लेगा मोटा मोटी तौर पे इन दोनों फोनों में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे ओप्पो फाइंड एक्स सेवन से, उसके बाद गाइस अल्ट्रा का बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो देख लीजिए 6.8 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बता दूंगा इस वाले फोन में आपको गाइस स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिलेगा, जो कि गाइस लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये सबको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फोन में गाइस आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दूंगा कि गाइस इसका जो फ्रंट कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। देख लीजिए गाइस, अभी मैं डिटेलिंग नहीं बता रही है, आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि इस फोन में आपको क्या देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में क्या देखने को मिल जाता है। अगर गाइस डिटेलिंग वगैरह सब कुछ चेक करना तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देख लिया फ्रंट कैमरे की बात कर लिया, अगर गाइस इस फोन के बैक कैमरे की बात करें तो देख लिया आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का, एक और 50 मेगापिक्सल का एंड एक और 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। टोटली 4 कैमरा देखने को मिलेगा इसके अंदर। और गाइस फोन में आपको 5000 के एमएच का यहां पे बैटरी देखने को मिलेगा। देख लिया गाइस, जिसकी स्पेसिफिक मैंने मोटा मोटी बताया वो गाइस यहां पे ओप्पो फाइंड एक्स सेवन था। जी हां जी गाइस, अब यहां पे बात कर लेते हैं ओप्पो फाइंड एक्स सेवन अल्ट्रा के बारे में। तो देख लेगा इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो देख लेगा इसका डिस्प्ले में आपको क्या देखने को मिलेगा, 6.8 इंच के यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डायमेंसिटी 9300, यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें गाइस आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें गाइस दो जो कैमरे हैं वो गाइस 50-50 मेगापिक्सल के हैं एंड जो एक कैमरा होगा वो गाइस यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा सेम ही है गाइस, जो कि दोनों में 32-32 देखने को मिल जाता है एंड गाइस दोनों में ही बैटरी हमें सेम देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस 5000 एमएएच यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगा। देख लिया गाइस, ये दोनों फोनों को मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे मोटे तौर पे मिलता है। अब गाइस इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं, तो देख लिया गाइस इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके गाइस, यहाँ पे आपको देख लिया गया 12 GB रैम देखने को मिलेगा। सबसे पहले का ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ओप्पो फाइंड एक्स सेवन का यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। तो देख लिया गया इसमें आपको 12 GB रैम देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ बता दूंगा इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देख लिया गया 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, लेजर विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देख लिया गया जैसे कि मैंने और वीडियोज में बताया कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाए पंच होल डिस्प्ले, सो गाइस वो काफी ज्यादा अच्छा होता है अगर यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जी हाँ जी, बेजर लेस विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। एंड इसी के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा सेट तो आपको मैंने बता ही दिया है, जो कि गाइस आपको 50-50 एंड 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, एलईडी फ्लैश के साथ आता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो देख लीजिए इस फोन में आपको 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जी हाँ जी, 4K प्लस यहाँ पे 30 FPS का यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ जी, इस फोन में आपको ये देखने को मिल जाता है। और गाइस इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख लीजिए फ्रंट कैमरे में भी 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 4K प्लस 30 FPS का यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो इस फोन के अंदर। 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी बताया दिया, साथ ही साथ 100W का यहाँ पे फुल फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है एंड ये वाला भी चार्जर का टाइप सी चार्जर होने वाला है। सो गाइस काफी अच्छा यहाँ पे फोन आता है। देख लीजिए दोनों फोनों का मैं प्राइस भी बताऊंगा, सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहना। और गाइस इनकी एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं, देख लीजिए स्पेसिफिक वगैरह तो बात कर लिया, अब गाइस एक्सपेक्टेड डेट की बात करते तो देख लीजिए यहाँ पे आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए ओप्पो फाइंड एक्स सेवन प्रो में देखोगे तो यहाँ पे 10 फरवरी को देखने को मिलेगा, जो कि 2024 में दिखाया जा रहा है। और गाइस ओप्पो फाइंड एक्स सेवन अल्ट्रा में देखोगे तो यहाँ पे जनवरी यानी कि 8 जनवरी 2024 को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे रिलीज डेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे अगर कलर्स की बात करो तो देख लीजिए ओप्पो फाइंड एक्स सेवन प्रो में आपको जो कलर देखने को मिल जाता है वो गाइस कुछ इस तरह के कलर रहते हैं, जो कि गाइस काफी ज्यादा अच्छा कलर रहता है। कलर के मामले में गाइस ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। साथ साथ गाइस इसकी बैक
बैक पैनल की बात करूं तो आपको गाइस यहां पे काफी ज्यादा अमेजिंग सा लुक देखने को मिलेगा, जो कि गाइस आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस तरह का अमेजिंग सा आपको लुक देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ अगर दूसरे फोन की बात करूं, यानी गाइस ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा की बात करूं, तो इसमें भी आपको गाइस कलर के मामले में गाइस काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाइस ये भी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल ही रहा होगा। इसी साथ गाइस अगर दोनों के और भी कंपैरिजन के देखें तो देख लेगा इसमें आपको देखने को मिलेगा। पीपीआई की बात करें तो देख लेगा दोनों का सेम ही पीपीआई है। यहाँ पे गाइस 510 पीपीआई दोनों फोनों का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गाइस यहाँ पे दूसरे वाले फोन का भी और पहले वाले फोन का ही, दोनों का ओप्पो का फोन आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया है। और गाइस यहाँ पे स्क्रीन बॉडी रेट की बात करें तो देख लीजिए, एक फोन में आपको 90% आपको देखने को मिलेगा, दूसरे फोन में गाइस आपको 93% देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए दोनों में क्या क्या मिलता है, तो देख लीजिए जो यहाँ पे आपको ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा है उसमें गाइस आपको यहाँ पे 90.3 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस दूसरे वाले फोन में आपको यहाँ पे 90% देखने को मिलेगा, जो कि गाइस बॉडी रेशियो रेट है। और गाइस यहाँ पे अगर गाइस फिंगरप्रिंट की बात करें तो देख लीजिए दोनों फोनों का आपको गाइस यहाँ पे इन डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जो कि गाइस काफी अच्छा फिंगरप्रिंट है। आपको गाइस टच करते हैं यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक हो जाएगा इस फोन के अंदर। आईपी रेट की बात करते देख लीजिए दोनों फोन में आपको 68 आईपी रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि गाइस जो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट है यहाँ पे आपको 68 देखने को मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग की बात करते देख लीजिए दोनों फोन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 50 वोट का दोनों फोनों में आपको देखने को मिलेगा वायरलेस चार्जिंग। साथ ही साथ यहाँ पे अगर रिवर्स चार्जिंग की बात करते 10 वोट का यहाँ पे दोनों में आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। चले गए सबकी बात कर लिए, आप गाइस ओवरऑल यहाँ पे प्राइस की बात कर लेते हैं, डिजाइनिंग की बात कर लें तो डिजाइनिंग तौर पर देखोगे तो बैक पैनल यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको गाइस यहाँ पे आपको फोन के अंदर ही बताया था, यहाँ पे पंच होल आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बेजल लेंथ विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दूंगा इस फोन में आपको दोनों ही फोन में आपको बेजल लेंथ विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बैक पैनल काफी ज्यादा अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो देख लेगा प्राइस के मामले में काफी ज्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है, बट गई इतने सारे फीचर्स मिल रहे तो आपको प्राइस तो इतना देखने को मिलेगा। चले गए बात कर लेते हैं दोनों की एक्सपेक्टेड प्राइस की, देख लेगा मैं यहाँ पे कंफर्म प्राइस नहीं बता रहा, एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ साथ यही बता दूंगा अगर इसका कंफर्म प्राइस चाहिए तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके गाइस चेकआउट कर सकते हो, जो कि गाइस इसका कंफर्म प्राइस आपको बता ही देगा। साथ ही साथ गाइस इसकी और भी फीचर्स वगैरह जान लोगे। तो चलिए गाइस यहां पे मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बताऊं तो देख लीजिए गाइस दोनों फोनों में आपको गाइस जो ओप्पो फाइंड एक्स 7 प्रो में आपको प्राइस देखने को मिलेगा 110,000 का देखने को मिलेगा, यानी जी का एक्सपेक्टेड प्राइस है। एंड गाइस ओप्पो फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा में आपको देख लीजिए 70,000 यहां पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दूंगा गाइस ये फोन आपको गाइस यहां पे काफी ज्यादा अच्छा यहां पे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। एंड गाइस इसी के साथ ये भी बता दूंगा इस फोन के अलावा गाइस अगर और भी फोन आप लेना चाहते हो, जैसे कि गाइस आपका बजट यहां पे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपका बजट है गाइस, उस बजट में जो भी टॉप 5 फोन आ जाते हैं उन सबकी मैंने वीडियोस बना रखी है, सब उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। एंड उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। देख लीजिए गाइस आज की वीडियो में जी इतना ही बताना था, ये वीडियो गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं थी, यहाँ पे गाइस मैंने सिर्फ आपको रिव्यू दिया है कि इसके फोन के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। जब गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो होगा तो उसमें आपको गाइस फुल डिटेलिंग देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी कैसे रहता है, पिक्चर वगैरह कैसे रहता है, बाकी गाइस आप लिंक के थ्रू देख ही सकते हो कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड एक और चीज गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो गाइस सारे लिंक आप चेक करना मत भूलना। बाकी गाइस आप अपने प्राइस के हिसाब से जो भी फोन लेना चाहते हो उन सबका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ गाइस ऐसे कौन सी वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस 31 जनवरी से पहले हमें 2K करना है, बाकी गाइस आपका सपोर्ट रहा तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, सो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चले गए इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ गाइस ऐसे कौन वीडियो के साथ, तवाई वीडियो का दमदार वीडियो के साथ, साथ ही साथ गाइस एक और न्यू फोन के साथ, एक और न्यू गैजेट के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, देखते रहिए गाइस टेक4जीत, न्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी।